खबर जोधपुर से है, जहां सेंट्रल जेल में कोविड 19 को लेकर करीब दो महीने पहले ही पुख्ता व्यवस्थाएं कर ली गई थी, लेकिन जयपुर की जेल में 48 कोरोना संक्रमित कैदी पाए जाने के बाद एक बार फिर से जोधपुर सेंट्रल जेल में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया गया। जयपुर में आंकड़े बढ़ गए हैं, अधिक संख्या में पॉजिटिव मिलने लगे हैं। इसके अलावा जेल में समय समय पर कैदियों की स्क्रीनिंग भी जोधपुर में की जा रही है। जेल अधीक्षक कैलाश त्रिवेदी ने बताया कि राहत की बात यह है कि जोधपुर सेंट्रल जेल में फिलहाल और कोई भी कैदी संक्रमित नहीं है और लगातार यही प्रयास किए जा रहे हैं कि ऐसी विपदा जेल पर ना आए। महामारी के आरंभिक अवस्था में इंडिया का रहे जोधपुर के लिए हमने विशेष ऐतिहासिक कदम उठा लिए थे, जिसके तहत हमने नए आने वाले बंदियों को मेन भवन से एक दूसरे भवन में रखने की व्यवस्था कर दी थी। हाँ, उसकी सुरक्षा व्यवस्था भी हमने चाक तो बंद कर दी थी। आरएसी के जवानों को लगा दिया था, जेल के जवानों को लगा दिया। इसके साथ ही हमने श्रीमान जिलाइन सत्र न्यायाधीश मेट्रो और अर्बन, साथ ही पुलिस कमिश्नर जोधपुर से निवेदन किया था कि जो भी नए मुजिम आए जेल में वो पहले कोरोना के टेस्ट करा के आए। उसके परिप्रेक्ष्य में केंद्रीय कार्यालय जोधपुर में जो भी नए बंदी आ रहे हैं उनकी स्क्रीनिंग टेस्ट हो रहे हैं। हमने उन्हें उनको लिखा है कि इनके प्रॉपर टेस्ट करवा के भिजवाने की कार्रवाई करें।